नबी पाक वसल्लम ने इशायद फरमाया सोना मुसलमान वो है कि जिस काम से उसका मतलब नहीं उस काम को छोड़ दे और नबी करीम फरमाया कयामत के दिन ज़्यादा गुना उन लोगों के होंगे जो ज्यादा फजूल बातें करते थे उनके गुना ज़्यादा होंगे फजूलिया से बचें अपने औकात कार ज़िंदगी में मुरतब करें हम पता क्या कहते हैं एक मिनट में मैं आया तो एक मिनट ठहर मैं ये मुहावरा है हमारा एक मिनट दे दरा मुझे तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं ये जो एक मिनट है ना इसे क्यों जाया करते हो क्यों कहते हो एक मिनट ठहर क्यों ठहरे भाई आपको पता है मिनट में क्या होता है एक मिनट में छह दफा सूरत इखलास पढ़ी जा सकती है और दो कुरान पाक पढ़ने का जवाब है एक मिनट के अंदर छब्बीस मरतबा कहा जा सकता है सुबहान अल्ला हमदी ही सुबहान अल्लाजी और ये वो कलिमात हैं कि नबी पाक पाकाम ने फरमाया जुबान से कहने आसान है मेजान अमल पर इनका बड़ा वजन है और ये तुम्हारे रब के बड़े प्यारे जुमले हैं अल्लाह को बड़े महबूब हैं ये कलिमात आप देखें सुबहान अल्लाह ही अल्लाह अकबर ये कितनी दफा पढ़ा जा सकता है एक मिनट के अंदर कई दफा प्यार से माँ बाप की ज्यारत की जा सकती है और जितनी बार ज्यारत करो पूरे आज का स्वभाव मिलता है एक मिनट के अंदर फोन उठा के किसी मरीज की अजादत की जा सकती है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मरीज की अजादत करता है तो खुदा की रहमत का दरिया बह रहा था तूने उसमें गोता लगा लिया है एक मिनट के अंदर तो कमाल हो जाता है लेकिन शर्त यह है कि उस मिनट को जाया नहीं करना उस मिनट में कुछ कर जाए